Hi, I'm Rahul here. I'm going to tell you आज जो construction से related कुछ words हैं और you know कि मैंने vocab को 50 parts लाना है vocab में जो आज ये अभी है मेरा 12 part है और 12 part में आज हम लोग construction related 10 words की बात करेंगे कि वो 10 words जो हैं वो construction related कौन-कौन से हैं तो गाइस यू नो कि टुडे इन स्पोकन और इन इवन इन राइटिंग इफ यू हैव नॉट द गुड वर्ड पावर देन यू आर जस्ट व्हाट जीरो तो टू इंक्रीज योर वोकैब यू हैव टू नो ऑल दिस मीनिंग्स तो आज कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग्स है उसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर में वो 10 वर्ड्स कौन कौन से हैं जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं तो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे है गाइज कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है आर्किटेक्चर ठीक है आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है तो आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला होता है सेकेंड वर्ड इज देयर फॉर यू फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क मतलब होता है ढांचा किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन में आप देखते हो उसका आकार या जो ढांचा होता है उसको बोलते हैं फ्रेमवर्क नंबर थ्री इज एरेक्शन एरेक्शन मतलब जोड़ना या कंस्ट्रक्ट करना ठीक है कंस्ट्रक्शन लाइन में आप देखते हो बहुत सारे एरेक्शन वर्क होते हैं तो एरेक्शन मतलब जोड़ना होता है या कंस्ट्रक्ट करना होता है वैसे ही नेक्स्ट वर्ड इज फैब्रिकेशन फैब्रिकेशन मतलब निर्माण कार्य होता है फैब्रिकेशन मींस निर्माण कार्य नेक्स्ट वर्ड इज गाइस सिंगलिंग सिंगलिंग मतलब होता है लकड़ी का तख्ता जिसे आप शटरिंग भी बोलते हो देखते हो कि बिल्डिंग बनाने में या कोई भी मैंशन बनाने के लिए या कोई भी ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए उसमें शटरिंग का काम होता है तो उसके सिंगलिंग को क्या बोलते हैं तो लकड़ी का तख्ता होता है उसको यूज करके हम लोग जो भी काम होता है वो होता है नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिक वर्क ब्रिक वर्क मतलब जो होता है वो ईंट का काम होता है जैसे हम ईंट का काम करते हैं तो दिस वर्क इज कॉल्ड एज ब्रिक वर्क एंड गाइस नेक्स्ट वर्ड इज एडिफाइस एडिफाइस मतलब भवन होता है भवन जो कंस्ट्रक्ट करते हैं उसका एडिफाइस होता है एडिफाइस मतलब भवन नेक्स्ट वर्ड इज हाउसिंग हाउसिंग मीन्स आवास होता है एंड देन नेक्स्ट वर्ड इज वैटल वैटल मतलब बांस का जो फाड़ा हुआ चीज होता है जिसे हम लोग कच्चे घर बनाते हैं मिट्टी का तो उसका यूज करते हैं वैसे ही नेक्स्ट वर्ड इज क्वाड्रेचर क्वाड्रेचर मतलब वर्ग निकालना आप देखते हो कंस्ट्रक्शन लाइन में कोई भी चीज का हम वर्ग निकालते हैं और चीजें करते हैं तब जाकर के कंस्ट्रक्शन होता है तो ड्रॉइंग होती है और ड्रॉइंग के अकॉर्डिंग काम होता है तो क्वाड्रेचर मतलब होता है वर्ग निकालना सो थैंक यू ये थे 10 वर्ड्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन आई होप दिस विल इंप्रूव योर वोकैबुलरी रिलेटेड टू एंड कंस्ट्रक्शन एंड ऑल यू गेट ऑल दिस वर्ड मीनिंग्स टू इंप्रूव योर स्पोकन सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आरडी इंग्लिश क्लासेस वेल